नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। किलोमीटर स्कीम के तहत भिवानी में शुरू हुई निजी बस सेवा। कृषि मंत्री जेपी दलाल व विधायक घनश्याम सराफ ने दिखाई हरी झंडी। आज से पहले दिन दो बसों ने हरी झंडी दिखाकर करके रवाना किया। दिल्ली व हिसार रूटों पर ये बसें चलाई जाएंगी। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। आपको बता दें कि जब से सरकार ने किलोमीटर स्कीम के तहत प्राइवेट बसें चलाने का निर्णय लिया था, तब से रोडवेज यूनियनें इस योजना का विरोध कर रही हैं। न केवल यूनियनों का विरोध हुआ, बल्कि शुरुआती दौर में तो 35 से 37 किलोमीटर के हिसाब से जारी किए गए परमिटों की गड़बड़ी भी मिली, जिसके बाद रोडवेज यूनियनों ने इस स्कीम में करोड़ों रुपये का घोटाला होने का आरोप भी लगाया और आंदोलन भी अपने स्तर पर कई जगह शुरू किए। इन सब के बावजूद गुरुग्राम के बाद रविवार को भिवानी में भी इस स्कीम के तहत दो प्राइवेट बसों को बिना किसी विरोध के शुरू कर दिया गया। अब देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। आज बड़ा खुशी का मौका है कि हमारे भिवानी डिपो के अंदर दो बसों की बढ़ोतरी हुई है और जो किलोमीटर स्कीम है हरियाणा सरकार ने जो स्कीम दी है, हमारे जो बस के मालिक हैं उन्होंने इसको अडॉप्ट किया है। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे करके दोनों तरह की बसें चलेंगी, प्राइवेट आदमी की बस भी जिसका सारा व्यवस्था सरकार ही करती है और सरकारी बसें भी, और दोनों में अच्छा कंपटीशन होगा और उपभोक्ता को, आम जनता को अच्छी सुविधा देने की सरकार की नीति है, उसी का ये परिणाम है। और जिन लोगों ने इस स्कीम को अडॉप्ट किया है मैं उनको बधाई देता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि वो अच्छा व्यवसाय कर पाए। सर, 30 किलोमीटर आधार पर ये चलेंगे, कितना आमदनी रोडवेज को? ये जो सरकार की 26 रुपये कुछ पैसे की बढ़ोतरी नीति थी उसी में इनमें बस मालिकों ने स्कीम को अडॉप्ट किया है और बाकी भी धीरे धीरे करके लोग, बहुत सारे लोग जो इस स्कीम को लागू करने की संभावना है और जो हरियाणा के अंदर बसों की समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी और सरकारी बस जो खरीद की कार्रवाई है वो जारी है। आने वाले वक्त में हरियाणा की जो है परिवहन की सुविधा में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। सर, जो छोटे रूट हैं उन पर बसों की कमी होती है, जो प्राइवेट बसें लगाई गई इनको लंबे रूट पर लगाया गया है, वो तो इसके बदले में ये क्योंकि नई बस है। आमतौर पर होता क्या है कि जो लंबा रूट होता है उसमें नई बस चलती है और जो थोड़ी सी पुरानी हो जाती है लोकल रूट पर चलती है। अब हम नई और पुरानी का कोई भेदभाव नहीं कर रहे, बस की स्थिति देख के उनको चला रहे हैं और ग्रामीण रूटों पे भी बस की बढ़ोतरी हो। सर, रोडवेज यूनियन वो उनको गलतफहमी थी, अब उनको संतुष्ट कर दिया गया है, अब किसी तरह का विरोध नहीं है। यूनियन भी संतुष्ट है, कर्मचारी भी संतुष्ट है और जो जनता हरियाणा की है उसको लाभ मिलने वाला है। हमारा सबका उद्देश्य एक ही है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ दें।